ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके और वहां से लोड कर सकते हैं। देखते हैं प्रथम क्वेश्चन, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने किया? तो फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज आइंस्टाइन ने किया, इसलिए इसका आंसर सी होगा। इलेक्ट्रिक प्रभाव द्वारा आइंस्टाइन ने प्रमाणित किया, तो इलेक्ट्रिक प्रभाव द्वारा आइंस्टाइन ने E बराबर एच न्यू इसको प्रमाणित किया। तीसरा क्वेश्चन है, प्लैंक्स कांस्टेंट का मान कितना होता है? तो प्लैंक्स कांस्टेंट का मान होता है 6.67 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। जूल सेकेंड इसमें नहीं है, तो जूल का मान होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको और सेकेंड से गुणा कर दीजिएगा तो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसलिए इसका आंसर बी होगा। फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की व्याख्या किसने की? तो फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की व्याख्या हर्ट्ज ने किया, यह पूछा हुआ है BHU 1993 में। पांचवा क्वेश्चन है, धातु के कार्य फलन होते हैं। तो धातु के कार्य फलन धातु सतह से बाहर लेकर आने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को कार्य फलन कहते हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा। छठा क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज रंजन ने किया, इसलिए इसका आंसर ए होगा। सातवां है, इसमें किसका न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है? तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य गामा रे का होता है। गामा रे का तरंग दैर्ध्य 10⁻¹० मीटर से लेकर 10⁻¹⁴ मीटर से लेकर 10⁻¹० मीटर तक होता है, जबकि एक्सरे का 10⁻¹० से 10⁻¹⁸ मीटर तक होता है, और अल्ट्रावायलेट रे का 10⁻¹⁸ से लेकर 10⁻¹⁷ मीटर तक होता है। आठवां क्वेश्चन, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति की व्याख्या किया जा सकता है? तो प्रकाश की क्वांटम प्रकृति की व्याख्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द्वारा किया जाता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज प्लैंक्स क्वांटम ने किया। नौवां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में किसके द्वारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित नहीं होता है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित नहीं होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक्सरे, इसलिए इसका आंसर सी होगा। यह पूछा हुआ है RPET 1989 में। निम्न में किसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है? दसवां क्वेश्चन है, तो प्रकाश का वेग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसके वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। दसवां है, एक्सरे के तरंग दैर्ध्य कौन सा होए? तो एक्सरे का तरंग दैर्ध्य 10⁻¹० होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, चूंकि यंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻¹० मीटर। बारहवां क्वेश्चन, कैथोड किरण विचलित होता है? कैथोड किरण मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में विचलित होता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति होती है, तो आधुनिक सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ड्यूल नेचर का होता है, वेव भी होता है और पार्टिकल दोनों होता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है। गति में फोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ई बराबर होता है एच न्यू, और फिर ई बराबर होता है आइंस्टाइन के अनुसार MC²। इसमें से हम प्राप्त कर सकते हैं m बराबर हो जाएगा आपको एच न्यू बटा C², इसलिए इसका आंसर डी होगा। थैंक यू।